नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जो आज का हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना और दूसरा चैप्टर आज का हो जाएगा संविधान की विशेषताएं। इससे पहले दोस्तों हम दो चैप्टर करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बिहार SI मेंस हो गया, बिहार प्री का एग्जाम होगा, SI प्री का एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका NTPC का एग्जाम हो गया, चाहे आपका 86वीं BPSC का एग्जाम हो गया, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें हम लोग 100+ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि इंडियन पॉलिटी से है। तो आज का पहला चैप्टर हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ राज का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत है एक, भारत है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, तो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही आपका धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये जो आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हम जो करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, इसमें 70% आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही रहता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, यानी कि प्रस्तावना यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और उसके बाद यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन एक और दो तीन जो है यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण और भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही हम भारत के लोग जो है शब्द इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि समाजवाद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव भी झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत बता दिया आपको। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज था, इस समाजवादी जो था यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल संविधान में नहीं था, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज आपका हो जाएगा, यानी कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, धर्म निरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया और एकता और अखंडता को जोड़ा गया, लेकिन गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, यानी कि तीनों जो है प्रस्तावना में आपको लोकतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभी व्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या अस्पष्ट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। दोस्तों आपसे एक चीज़ कहना था कि आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आपको दरोगा प्री हो या मेंस हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि 70% क्वेश्चन आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही रहता है। तो दोस्तों आप एक बार इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप तो इसे पढ़े ही होंगे और आपका ज़रूर रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46
हो जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश इदत द्वारा इस संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। सामाजिक न्याय सही है, राजनीतिक न्याय सही है और विचार की स्वतंत्रता सही है, लेकिन पूजा की समानता जो है आपका संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, यानी कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बना सही है और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आपका सही है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी आपका सही है, लेकिन इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 55 नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय स्वतंत्रता समानता एवं मातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समानता 2 प्रकार का और मातृत्व 1 प्रकार का, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 4th नंबर, संविधान की विशेषताएं। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का संविधान जो है वह भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम्न और अनम्न दोनों प्रकार का भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस उसका राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी आपका सही है। और भारतीय संविधान भारत में विधि शासन की व्यवस्था करता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, सही है। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह भी आपका सही है। और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम और लचीला अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है और कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, इसी कारण भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। क्या दिया गया है? तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन सूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, यानी कि एक दो और तीन, एक दो और तीन हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो संविधान सर्वोच्च है, सही है, और संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। उसके बाद संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यानी कि ये भी सही है। ऑप्शन एक दो और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अध्याच्छात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य। कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है और राजनीतिक समानता है, लेकिन साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कथन है और कारण है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान संघात्मक है, सही है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, ये भी आपका सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो तीन और चार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति, उसके बाद राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, उसके बाद आपका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएँ, ये भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दो और तीन, यानी कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी आपका सही है, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी आपका सही है, यह भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सैंतीस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है वह भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा आज का कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों यह थे आपको इंडियन पॉलिटी का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हम करा चुके हैं 2 चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यह इंडियन पॉलिटी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम करा रहे हैं, जिसे हम 12 दिन में लगभग जितना आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा 12 दिन में आपका लगभग ख़त्म कर देंगे। आपके एग्जाम के पहले इंडियन पॉलिटी, उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री, 3 चैप्टर को हम बिहार दरोगा मेन्स के एग्जाम के पहले ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।